तो यहाँ से ऊपर तक पानी होता था, हम नहाया करते थे। ये देखो गाइस इतना पानी निकल रहा है, कुछ मोमेंट्स तो बहुत ही ज़्यादा याद रहते हैं। ऑलराइट गाइस आई एम बैक अगेन विद अ न्यू व्लॉग। सो गाइस यार ब्यूटी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही, ब्यूटी यहाँ है। तो देखो गाइस इससे प्यार नहीं होगा तो किससे होगा। अब मुझे एक कमेंट आया था, उस कमेंट में बोल रहे थे बहुत ही बेकार बाइक है। तो उस भाई के लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि भाई हर एक का अपना अपना नज़रिया होता है, कोई किस नज़र से किसी चीज़ को देखता है। अब उसको वो चीज़ नहीं पसंद तो इसमें हमारी क्या गलती गाइस। मतलब ऐसा है ना कि बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं और कुछ लोग व्लॉग्स भी नहीं करते, फिर भी भाई उनके लिए एक बाइक ही उसकी लाइफ होती है। और बाइक इज़ लाइफ गाइस, बाइक में राइड करना और घूमना एंड खासकर पहाड़ों में गाइस, बाइक इज़ लाइफ। ये हेट किसी चीज़ को लेकर मत फैलाओ, और अगर कोई चीज़ नहीं पसंद तो ठीक है भाई, मैंने पढ़ा है तुम्हारा कंटेंट पर, कमेंट पढ़ा, उसके बाद मैंने रिप्लाई भी दे दिया था। बट फिर भी जैसा है, मुझे तो पर्सनली RS बहुत पसंद है। और पावर की बात करें, लुक की बात करें, एवरी सिंगल थिंग लाइक सीटिंग पोस्टर ले लो गाइज, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सब बढ़िया लगा। KTM से तो बढ़िया अच्छा लगता है मुझे, और देखने में गाइज चलाने में भी लाइक मैंने KTM भी चलाई है, मुझे हल्की लगती है वो। इसकी बिल्ड क्वालिटी और पावर टू वेट रेशियो एकदम बढ़िया है जिस हिसाब से इसका प्राइस रेंज है। और गाइज और क्या ही देंगे यार, सबसे बड़ी बात इंडियन ब्रांड है, सबसे बढ़िया ब्रांड है। बातें तो चलती रहेंगी, उसके अलग अगर मैं बात करूँ तो गाइज थोड़ा सा काम है मुझे, पटियाला में ही है और पटियाला से बाहर तो मुझे काम पड़ता ही नहीं कभी। और जब भी टूर बनेगा मैं व्लॉग ज़रूर शूट करूँगा एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं हर एक चीज़ को लेकर। एवरी सिंगल चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ अपने इसी चैनल में। तो गाइज अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर मेरा कुछ एक चीज़ भी पसंद आए देन मेक श्योर टू हिट सब्सक्राइब माई चैनल गाइज। और चैनल बहुत छोटा है गाइज, इसको बड़ा करो, एंड मैं भी यही चाहता हूँ आप सपोर्ट करो अपने भाई को ताकि मैं अच्छी अच्छी चीज़ें आपको दिखाता रहूँ और अच्छे अच्छे कंटेंट लाता रहूँ। क्योंकि गाइज कहीं ना कहीं मुझे सपोर्ट मिलेगा तो मैं बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ। मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि जैसे डे बाय डे दिन बढ़ रहे हैं ना गाइज, लाइक एक एक दो दो सब्सक्राइबर मेरे बढ़ रहे हैं। पर्सनली मैंने किसी को नहीं बताया है मेरा चैनल कि भाई ये मेरा चैनल है एंड सब्सक्राइब कर दो। मैं तो यही चाहता हूँ गाइज, जो मेरे पास ऑडियंस है ना वो रियल ऑडियंस होनी चाहिए, आई डोंट नीड फेक ऑडियंस। बाय द वे गाइज बहुत मेहनती बच्चा दिखाई दिया अभी मुझे एंड गॉड ब्लेस हिम। अच्छा लगता है यार जब कोई मेहनत करता है, क्योंकि हम भी कर रहे हैं और हम भी किया करते थे। बाय द वे मैं भी निकल पड़ा अपना ब्लॉग के लिए, और मुझे सच बताऊँ तो बहुत मोटिवेट होता है कि जब आप सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो गाइस, कमेंट भी किया करो, कमेंट भी अच्छा लगता है मुझे पढ़ना आप लोगों का। एंड जो तो रैंडम्स आते हैं ना गाइस, बहुत अच्छा लगता है। अभी तक मैंने अपने एक भी वीडियो को गूगल एड्स पे नहीं डाला, और जिस दिन डालूँगा आई एम डैम श्योर के व्यूज़ आएंगे एंड रियल ऑडियंस भी मिलेगी, बट वो भी करूँगा मैं। अभी थोड़े इश्यूज़ हो रहे हैं थोड़ी चीज़ों को लेकर, आप समझ सकते हो, तो अभी तक तो मैंने नहीं किया। बट जैसा भी है गाइस, व्यूज़ ठीक ठाक ही आ रहे हैं। मेरे भाई लोग अगर शेयर भी करेंगे वीडियो को तो उन लोगों को करना जो सच में इंटरेस्टेड हो इस ब्लॉग को लेकर। और गाइस मैं ऐसा ही हूँ जैसा मैं बोलता हूँ, लाइक मुझे ऐसा नहीं है कि पंजाबी बोलनी नहीं आती, पंजाबी भी बोल लेना मैं बहुत बढ़िया, बट मैनू एंगेज होना हिंदी से ज़्यादा बढ़िया लगता है एंड तब भी मैं हिंदी में ही बात करता हूँ एंड सो या। तो गाइज यार सीन कुछ ऐसा है, यहाँ से मैंने थोड़ी चीज़ें लेनी है घर के लिए, के बाद मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को लेकर चलूँ उधर की साइड जहाँ पे भाखड़ा है मेन, और दिखाता हूँ भाखड़ा कैसी है। गाइज अभी मैं पटियाला के शेरौली गेट आ चुका हूँ, और थोड़ा बहुत जो काम था वो मैंने कर लिया, अब मैं पूरा टोटली फ्री हो चुका हूँ एंड टाइम भी ज़्यादा होने ही वाला है। क्योंकि अभी के लिए ऐसा है कि रात जल्दी हो जाती है तो टाइम की शॉर्टेज है, क्योंकि जब रात हो जाएगी देन मैं कवर नहीं कर पाऊँगा। और सीधा वहीं को निकलते हैं एंड इस साइड दरगाह है गाइस पीर की, और सीधा फारा चौंक आएगा एंड राइट हैंड साइड बहुत ही बड़ा
बारादरी ग्राउंड है, चौक है और पार्क है एंड या बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और कपल्स इधर रात को आते हैं और जो बूढ़े वगैरह होते हैं या जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं वो सुबह के टाइम को इधर आकर रनिंग वगैरह सैर वगैरह करते हैं। और बहुत बड़ा ग्राउंड है पटियाला का, ये काफ़ी बड़ा चक्कर एक लगता है और शायद से 1.5 किलोमीटर का एक चक्कर है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा है। और यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ अभी फहारा चौक में, इधर से मुझे बिल्कुल सीधा जाना है, देन मैं पहुँचूँगा उस रोड पे जहाँ पे हमें जाना है। इधर से हम जाएंगे बिल्कुल सीधा, देन हम पहुँचेंगे भागड़ा में। एंड मुझे याद है गाइस जब हम छोटे होते हुए करते थे ना, जैक क्लास में हुआ करते थे 12 क्लास में, जैसे मैं बंक मार कर जाता था और टेम्पू करके सीधा भागड़ा में जाकर लाइक गर्मियों के टाइम पे और नहाते थे हम, बहुत मज़ा आता था, वो भी क्या दिन थे गाइस। तो ये है सरकारी राजेंद्रा हॉस्पिटल, जी हाँ गाइस इधर से बिल्कुल सीधा भागड़ा आएगी और पसियाना बोलते हैं, पसियाने की भागड़ा बोलते हैं पंजाबी में, बोले तो पसियाना दी भागड़ा, तो हिंदी में पसियाना की भागड़ा। एंड या तो ये वाली जो साइड है ये सारी मिलिट्री वाली है और यहाँ पे मिलिट्री वाला सिस्टम है सारा, और एक छोटा सा एयरपोर्ट भी है जहाँ पे हेलीकॉप्टर लाइक खड़े होते हैं, छोटे छोटे जहाज खड़े होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है गो स्लो, हम स्लो जाएंगे। अभी हमें जाते रहना है, जाते रहना है, जाते रहना है, जाते रहना है, और ऐसा ही मौसम रहना यार बहुत अच्छा लगता है ना, बहुत ज़्यादा ठंड है ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, हाफ़ में हूँ मैं और ठंडी ठंडी हवा लग रही है, बहुत ही बढ़िया फीलिंग हो रही है और मस्त चल रहा हूँ 200cc सेगमेंट की बाइक में। जैसा कि आप देख सकते हो पूरा जंगल जंगल लग रहा है, लाइक इधर उधर सब पेड़ वगैरह है, तो इस वजह से जो हवा है वो भी अच्छी लग रही है एंड मज़ा आ रहा है गाइस, व्लॉगिंग करके बहुत मज़ा आ रहा है। सारा दिन मैं शॉप पे ही था, अभी निकला मैं, मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा व्लॉग बनाया जाए और मैं अपलोड कर दूंगा, कुछ खास कंटेंट तो है नहीं मेरे पास अभी, तो होप करूंगा छोटा जो कंटेंट है वो अच्छा लगे और ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है इसको एंड ज़्यादा बोर नहीं करना आपको। तीन कलर का बोर्ड दिखाई दे रहा है और इधर से हम लोगों को पता लग जाता था कि भागड़ा करीबी है, बहुत ही नज़दीक है। एक दिन तो क्या हुआ था ना गाइस, हम जाते टाइम तो टेम्पो में गए थे मस्त और नहाया, फिर धूपी पड़ती है आते वक्त ना गर्मी लग जाती है, तो पैसे नहीं थे शायद से, हाँ कुछ ऐसे ही सीन हुआ था, तो टेम्पो तो ले नहीं सकते थे हम, तो हम पैदल आए थे गाइस, वो भी क्या दिन थे। ऑल राइट नहीं रोका मुझे, कोई दिक्कत नहीं कोई थी। तो यहाँ पे मैं रुकता हूँ एक बार और थोड़ी बातें करते हैं, तो फिर मैं आगे ब्लॉग को एंड कर दूँगा। एंड गाइस मैं आपको मतलब दिखाना ही चाहता हूँ कि ये जो ये जगह है जहाँ पे हम नहाया करते थे और ये जो पानी की आवाज़ें हैं ना गाइस बहुत प्यारी लगती थी। और तो देख सकते हो आप गाइस पानी कितना ज़्यादा है। एंड गाइस यार मेरे कुछ फ्रेंड्स थे वो नहाते थे मेन में, जो ये वाली मतलब यही है वो आगे जाके नहाते थे, तो वो सामने ब्रिज दिखाई दे रहा होगा अगर मैं कवर कर पा रहा हूँ, तो वहाँ से जंप लगाते थे लाइक नहाते थे मस्त, और मैं तो नहीं जाता था क्योंकि मुझे तो गाइस नहाना नहीं है, मतलब तैरना नहीं आता, नहाना तो आता है, मैं ऐसे तो मैं डेली नहाता हूँ। तो सीन कुछ ऐसा था गाइस, वो नहा रहा था मस्त और लाश दिखाई दी थी हमें और पूरी लाइक पानी भरा हुआ था उसके पूरी बॉडी में और बहुत अजीब था वो सीन। तो गाइस मैं उस चीज़ को याद तो नहीं करना चाहता बट या, तो गाइस ये है इसको 5 फुट ही बोलते थे तो हम इधर नहाते थे, और पानी अब तो बहुत ही कम है बट जहाँ पे देख पा रहे हो अगर, तो यहाँ से ऊपर तक पानी होता था, हम नहाया करते थे और पानी ऐसा ही हुआ करता था, थोड़ा सा साफ़ हुआ करता था, अब थोड़ा ऐसा लग रहा है। एंड गाइस इधर से भी जंप किया हुआ है मैंने और उधर से भी जंप करते थे, बहुत मज़ा आता था, और नहाना तो मुझे इतना आता नहीं है पर फिर भी इधर से भी बहुत जंप किया हुआ है गाइस हमने। एंड अगर मैं इधर की साइड को आऊँ तो गाइस यार ये ना ये देखो गाइस इतना पानी निकल रहा है ना, तो हम इस पानी में नहाया करते थे। ऑलराइट गाइस, तो ये सब चीज़ें थी लाइक हम नहाया करते थे और बचपन की चीज़ें बहुत ज़्यादा याद रहती हैं और कुछ मोमेंट्स तो बहुत ही ज़्यादा याद रहते हैं। मैंने सोचा क्यों ना एक
ये चीज़ भी शेयर की जाए। एंड होप करता हूँ गाइज वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। अगर अच्छी लगी तो मेक श्योर टू हिट यू नो वॉट, क्या करना है ना गाइज, आपको पता ही है ना, तो कर देना गाइज। ठीक है, मिलता हूँ आगे नेक्स्ट किसी अच्छे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।